नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी। गर्भवती महिला से गैंगरेप, खबर हरियाणा के यमुनानगर की है, जहां एक गर्भवती महिला के छोटे भाई को अच्छे संस्थान में दाखिला दिलवाने के नाम पर उसी के गांव के एक व्यक्ति और उसके चार अन्य साथियों ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर बारी बारी से उसके साथ रेप किया। इस मामले की सूचना मिलते ही महिला पुलिस की टीम ने 5 आरोपियों के खिलाफ गैंग रेप और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सर, कल हमारे पास ना एक वीडियो आई थी 100 नंबर से कि एक लेडीज बस स्टैंड पे बैठी है, तो हम उसको लेके आए, तो उसने बताया कि 5 जो व्यक्ति हैं उन्होंने उसके साथ गैंग रेप किया है। वह अपने वो गाँव मेधो वाला गाँव की रहने वाली है, लड़की का नाम दीपा है और वो 5 महीने की प्रेगनेंट है। तो उसने हमें बताया कि उसके जो जानकार हैं, ये जो राजपाल हैं, वो बता रही है कि 70 ईयर्स ओल्ड, और वो अपने भाई का एडमिशन करवाने के लिए बालकुंज आ रही थी, और क्योंकि उनकी आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं है और वो उसको लेके आ रही थी, तो राजपाल भी साथ आ गया और राजपाल ने बोला कि मैं आपके भाई का एडमिशन कोई अच्छे आश्रम में यमुनानगर में करवा दूंगा। तो वो उसको लेके अपने फार्म हाउस पे आ गया, वहाँ पे 4-5 व्यक्ति पहले से ही मौजूद थे, जिन्होंने उन्होंने फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह या और ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया, और जो उन्होंने फिर उसके साथ उसको भी कोल्ड ड्रिंक दी और उसको नशा हो गया, और उसके बाद उन्होंने उसके साथ रेप किया बारी बारी से। ये एलिगेशन है सर। हमने इसमें 376D और 328 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया, अनुसंधान ASI पूनम द्वारा मुकदमे लाए जा रहे हैं। ये जो लड़का है ये गाँव मुंडाखेड़ा का रहने वाला है, जो राजपाल है, जिसके ऊपर एलिगेशन है, और बाकियों का सर हमें वेयर अबाउट्स नहीं पता है, कहाँ के रहने वाले हैं। वो एक लड़के का नाम पता है, दीपा नाम है उसका, और बाकी अननोन है सर, प्रयास किए जा रहे हैं। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।